जौ तौ प्रेम खिलन कचौ सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरी सिर दीज कान न कीज इत मार्ग पैर तरी सिर दीज कान न कीज वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जहरा जहूर हाजरा हजूर सर्ब कला भरपूर चवर शतर तख्त जी दे मालक धन 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 सतगुरु साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन अते पवित्र हजूरी अंदर धन धन अमर शहीद सिर लथ जो दे जत सत दे विच परपक गुरु घर दे दरों घरों वरोसाए हुए ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद तिना गुरमुख प्यारियां दे शहीदी दिहाड़े दे संबंधत हर साल दी तरह गुरुद्वारा श्री टाहला साहिब जी विखे खुले पंडालां दे विच दीवान सजाए गए हन। आप संगत ने गुरु घर दे रागी जना पासों अमृत गुरबाणी दा शब्द कीर्तन सरवण करना कीता है। गुरमुख प्यारियां ने जो भी शब्द सुनाए हन सारियां शब्दां दे विच एक शब्द विशेष आया है सूरमा, सूर शब्द भी आया है, सूरमा शब्द भी आया है। जिन्ने भी गुरमुखां ने हाजरी भरी है गुरबाणी दे विच वक्खो वक्खरियां परिभाषावां द्वारा सूरमे दा जो ओदी आइडेंटिटी है, जो ओदी जान पहचान है, एक करवाई है। जपजी साहिब दे अंदर आपां पढ़दे हाँ जदों महाराज पंज खंडां दा जिक्र करदे हन धर्म खंड दा पड़ा करके ज्ञान खंड दी अवस्था दे विच जदों गुरु का प्यारा पहुँच जाता है उस तो बाद जेड़ा खंड आउंदा है ध्यान दिया जे सर्म खंड ते कर्म खंड ते सच खंड पांच खंड आउंदे हन। पर कर्म खंड विच भी सूरमे दी अवस्था दा जिक्र कीता है। कर्म खंड की बाणी जोर कि जदों कर्म खंड दी अवस्था तक गुरु का प्यारा पहुँच जाता है ता ओदी बाणी ओदे शब्दां दे विच पावर आ जांदी है, ओदे शब्दां दे विच बल आ जांदा है। जेड़ा शब्द कह दवे ओ शब्द कदे निष्फल नहीं जांदा, ओ शब्द कदे खाली नहीं जांदा। पर धन गुरु नानक दे पातशाह जिन्हें कर्म खंड दे विच भी उन्हां गुरमुखां दा जिक्र कीता है जिन्हां दा अज आपां शहीदी दिहाड़ा मना रहे हां। कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महाबल सूर
तिन महराम रहया भरपूर। कि कर्म खंड दे वेच कोई दूजा नहीं पहुंच सकता, उत्ते एक ओंकार परमात्मा ही रह जाता है। ते वड्डी गल तिथे जोध वड्डे वड्डे जोधे महाबल वड्डे वड्डे महाबली, ते तीजे नंबर ते सूरपा सूरमा, ते तीन उत्थे रह सकते हैं। तिथे बिल्कुल टिकिया हुंदा है। ते ऐसी अवस्था दे वेच जदो गुरु का प्यारा कोई बोल करता है ते अपना कहिया होया बोल पगाउंदा भी, क्योंकि गुरमुख जेड़ा जुबान करके मुकर जावे ना तां कहदे ओ जोधा है ना सूरमा। कलगीधर दाता जी जफरनामे च लिखदे कहिंदे ओ मर्द कहाउण दे काबल भी नहीं हैगा, कि जेड़ा अपनी जुबान करके अपनी जुबान ते खड़दा नहीं। ध्यान दिया जे गुरमुखो जिस वेले तख्त श्री दमदमा साहब की पावन धरती से भाई भाग सिंह जी के द्वारा जाके बेनती की गई कि सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी नूं पूर दिता गया, सरोवर नूं पूर दिता गया है, सचखंड श्री हरिमंदर साहब ढह ढेरी कर दिता गया है। उस वेले गुरमुखो कलम नाल लिखते पे हथ बाणी, कलम छड़ करके खंडे ते हाथ पै गया। खंडे ते हाथ पाउन तो बाद ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखते हैं सीस सुदासर हेत कर देवह गे हम जाए, कर अरदासा तुर पए सिंह जी फतेह गजाए। कि असी धन गुरु रामदास पातशाह जी आप जी दे दर ते सिर लै करके आवांगे, जां तां छीदी पा करके आवांगे जां तां चढ़दी कला च आवांगे, पर तुहाडे दर ते जरूर आवांगे। सीस सुदासर हेत कर देवह गे हम जाए, कर अरदासा तुर पए सिंह जी फतेह गजाए। फतेह गजा करके बाबा दीप सिंह जी चाले पाउंदे हन, पड़ा दर पड़ा कर दिया श्री तरन तर साहब की धरती ते भी एक रात का आराम किया है। 5000 की गिनती च सिंह अमृत वेले उठ करके बाणी पढ़ी, नित नेम किया, शनान पान करन तो बाद धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी के दर घर कड़ा प्रशादी देग करवाई गई। देग करवाउन तो बाद फिर अरदास कीती सीस सुदासर हेत कर देवह गे हम जाए, कर अरदासा तुर पए सिंह जी फतेह गजाए। कि अपनी जुबान दे पूरे रे ध्यान दिया जे। उस तो बाद अगे आउंदे हन गुरद्वारा लकीर साहब तो सिंघा की प्रीख्या लैन तो बाद गुरद्वारा रणदीति साहब इस अस्थान ते इसे रोड ते पै जांदे हन। गोहलवड़ की धरती ते आ करके टाकरा हुंदा है। उस टाकरे दे विच मुगलां दे पठाना दे जिन्ने भी जरनैल ने सिंघा ने आपो अपनी गुरु पातशाह वालों बस्ती बख्शी हुई समर्था ताकत नाल उन्हां दे नाल दो हाथ कीता। अगे आ करके गुरमुख ध्यान दिया जे बाबा नौद सिंह जी तिना गुरमुख प्यारियां दा टाकरा होया, सांझा वर होया, मौके ते शहादत जाम पी गए। थोड़ा जा अगे आ करके धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद जिन्हां ने कि इस 15-20 किलोमीटर पेंडे दे विच जकूब खां वर्गे, अनायत खां वर्गे, जमाल खां वर्गे वड्डे वड्डे जरनैलां नूं उन्हां नूं मिट्टी दे विच मिला दिता सी। ते जहां खां बाबा जी दे अगे आया आके कहन लगा कि बाबा जी बाकी तां रही गल कि बहुत ज़्यादा आपां बाकी नौजवानां नूं मावां दे पुत्तां नूं की मराउणा, तुसीं सामने आ जाओ, आपां दोनों जरनैल एक दूजे नाल दो हथ करके वेख लैंदे हाँ, जेड़ा शहीदी पा गया जेड़ा खत्म हो गया उहदी फौज हार गई, ते जेड़ा जित गया उहदी फौज जित गई। ते ध्यान दिया जे गुरमुख उस वेले बाबा दीप सिंह जी ने
जहां खां वालों ए दिता होया सदा प्रवान किया, चनौती प्रवान की आखरी समा ठंडे दे नाल किरपान दे नाल ते कई विद्वान ने गुत्थम गुत्था भी लिखिया है, पर ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखते हैं, चाली तेग अत बेग से दो केर बल तार, उतर परे सिर दोहां दे परस परे एक बार, कि दोनों पासियां तो बहुत ज्यादा तेजी दे नाल वार होया। बेग दा अर्थ हुंदा गुरमुख रफ्तार तेज, बहुत तेजी दे नाल वार होया, उतर परे सिर दोहां दे कि दोनों जरनैलों के सिर धड़ दे नालों जुदा हो गए, दोनों जरनैलों के। भावें कई विद्वान मिशनरी सोच वाले कह दें कि उन्होंने शाह रग तक ही खंडा बजा, पर वो किसी भी हद तक कोई भी किताब कोई भी पुरातन लिखती प्रूफ द्वारा ये प्रूव नहीं कर सके, बस बेफालतू की दलील दे के कह दिता उन्होंने तो शीस धड़ दे नालों जुदा नहीं हुए। पर गुरमुख ध्यान दिया जे दोनों जरनैलों का सिर धड़ दे नालों जुदा हो गया वड्डी गल, जहार खां मौके ते अल्लाह नूं प्यारा हो गया खत्म हो गया। ते बाबा दीप सिंह जी दे कोल एक गुरसिख आउंदा है, आ करके बेनती करता है कि बाबा जी आप जी ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे अपना शीस भेटा करन दी अरदास सोधी है, पर आप जी अजे तां तिन कोह दा पेंडा रह गया है। ते ध्यान दिया जे उस वेले ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखते हैं, मुल्क बदले मलक बदले जमीनों आसमान बदले, मगर जे मुमकिन है कि एक गुरसिख की जुबान बदले, कर्मखंड की बाणी जोर। कह लगे जमीन बदल सकती, मुल्क बदल सकते, आसमान अपनी दिशा चेंज कर सकता है, सूरज अपनी दिशा चेंज कर सकता है, पर गुरसिख का कहिया बोल की जुबान कदे व्यर्थ नहीं जाती, ते अपनी जुबान तो कदे मुकरदा नहीं। ते ध्यान दे जे उस वेले धन गुरु कलगीधर दाता जी की मेहर, धन गुरु रामदास पातशाह जी की कृपा दे नाल अदुती शक्ति वरती अदुती मेहर वरती, बाबा दीप सिंह जी ने अपना शीस खब्बी तली ते टकाया, सज्जे हाथ दे विच 18 सिर का खंडा पकड़ करके अपना कहिया होया प्रण पूरा किया, अपना कहिया होया वचन पूरा किया, धन गुरु रामदास पातशाह जी के दर से जा करके परिक्रमा करके जिथे गुरुद्वारा शहीद बूंगा साहब बनया उत्थे गोडिया भार बह करके खंडा एक हथ पासे रख करके अपने दोनों हथां दे विच अपना शीस लै करके अरदास की, धन गुरु रामदास पातशाह जी कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौ पते क्या लागे मेरा। इस प्रकार गुरमुख की सूरमा अपने कहे हुए बचन अपनी कही हुई जुबान अपने बोले हुए शब्दा की कदर ते उन्हां शब्दा की कदर निभाउण तक जे गुरमुख उहदा शीस भी धड़ दे नालों जुदा हो जावे, बिना शीस तो भी गुरमुख अपना प्रण निभाउंदा है, अपना कहिया होया बोल निभाउंदा है। सतगुरु पातशाह जी मेहर करन आपां भी गुरमुख जिहड़ा प्रण करदे हाँ उन्हूं अपनी जिंदगी दे विच जरूर निभाईए, ऐसा ना साडा जीवन होवे। ये बोल कह के समाप्ति करा, समा समाप्त हो गया दास दा, कि सवेर आपां कुछ होर किया है ते शामां नूं असीं कुछ होर हो गए हाँ, ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर बाबा फरीद जी कहिंदे बंदा कच्चा है, कि सवेरे कुछ होर किया शामां नूं कुछ होर हो गया, वह कहन लगे कच्चा बंदा है। दिल हो मुहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ। सतगुर पातशाह जी मेहर करन आपां भी कई बार वचन भी किया कई बार प्रण भी किया कि सतगुरु महाराज कृपा करो सानू खंडे बाटे की पौल दे दिओ, सानू कृपा करके गुरसिखी दान दे दिओ,
ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਸੋਧੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਰਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਂਦਾ, ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਸ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅੰਤਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਨਿਭ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਲ ਕਾਲ ਕਰਨਤਾ ਅਭੈ ਕਰ, ਅਭ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ, ਪਾਛੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੇ ਕਾਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ।